नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। महाशिवरात्रि है और बाबा शिव के भक्तों के लिए बहुत पवित्र दिन है। मुझे बहुत सौभाग्य हासिल हुआ कि ये 200 साल पुराना शिवालय है, यहाँ मुझे आशीष ने बुलाया तो बहुत खुशी मिल रही है मुझे। और मेरी एक किताब भी अभी आई है कैलाश मानसरोवर यात्रा पे, तो मुझे लग रहा है ये मौका बहुत अच्छा था कि मुझे बाबा का आशीर्वाद मिला। आज के दिन में जो भी सब भक्त आए हैं बहुत बहुत बाबा का, सब बाबा ही का आशीर्वाद है। इससे ज़्यादा कुछ और नहीं बोल सकते हैं। सब हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मंदिर रखा गया है ना, और ये पहले से ही मंदिर का नाम था जिसका जेसी गेस्ट हाउस का, ये जेसी गेस्ट हाउस आगे है, आज मंदिर पीछे है। ये मंदिर का प्रांगण में हम खड़े हैं। सस्तोगी सनातन रक्षा दल का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया हूँ, मनोनीत हुआ हूँ, चुना गया हूँ। उसी बारे में मुझे आज ये कार्यक्रम कराया है हमारे अभिषेक अग्रवाल जी, जो कि सनातन रक्षा दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। और लखनऊ में हम लोगों ने, ये सैकड़ों साल पुराना मंदिर है नर्मदेश्वर का, जेपी गेस्ट हाउस का, उस मंदिर में हम लोगों ने भगवान शिव की, आज विवाह होता है शिवरात्रि के उपलक्ष्य में, ये कार्यक्रम कराने का निर्णय लिया। और उसी में ये कार्यक्रम आज कराया गया। भगवान शिव का दो दिन पहले मेहंदी कार्यक्रम कराया गया, कल मेहंदी के बाद उनका जो भी विवाह कार्यक्रम जैसे होते हैं उसी ढंग से हम लोगों ने भगवान शंकर का और गौरा पार्वती मैया का श्रृंगार का कार्यक्रम कराया। विवाह की सारी रीतियां हुई, उन्हीं रीतियों के साथ मेहंदी हुई और जो उपटन होती है, जो भी रस्में होती हैं, वो सब करने के बाद आज भगवान शंकर का श्रृंगार सहित आज गौरा पार्वती के साथ उनका विवाह सम्पन्न हुआ। और एक भव्य आरती का आयोजन किया गया है जिसमें हमारे क्षेत्र के, और क्या कह रहे हैं, क्षेत्र के साथ साथ हमारे पूरे प्रदेश भर से जो भी हमारे सभी दलों के, जो भी हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में रहते, हमारे राजा राम मंदिर से, वहाँ से जो संत लोग आए हैं उनका भी यहाँ पर स्वागत हुआ। और उसके बाद में जितने भी हमारे सभी दलों के लोग आए, हमने, ये कोई राजनीतिक हमारा कार्यक्रम नहीं था, इसमें हमने राजनीति से प्रेरित होकर कुछ नहीं किया है। हमारे सभी दलों के जो भी हमारे प्रतिष्ठित भगवान शंकर के भक्त थे उन सभी लोग आए और सभी का हम लोगों ने वंदन अभिनंदन किया और उन लोगों ने भगवान भोलेनाथ का चरणों में नमन करके आशीर्वाद प्राप्त किया। और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हमारा जो एक नियम है कि भगवान की सेवा के बाद जो भी हो सबका भला हो, उसके बाद हम लोगों का भला हो। मेरा देश पहले है, उसके बाद हम लोग हैं। और भगवान भोलेनाथ की आज विवाह का दिन था, आज वो सब पे कृपा मनाते हैं। हम लोग व्रत में, यहाँ पर व्रत वाले लोगों के लिए भी भोजन की व्यवस्था की गई, भंडारे किए, बाबा का प्रसादी है, ठंडाई की प्रसादी बाबा को बहुत प्रिय है, इसलिए सभी भक्तों को ठंडाई का प्रसाद है। और उसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया है, जो कि सभी लोग से निवेदन है कि प्रसाद लेकर ही जाएं और सभी के ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, पूरा हमारा देश का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, और उसके बाद में हम सभी भक्तों का कल्याण हो, बस यही मैं कहना चाहूँगा। बाकी प्रभु सबकी रक्षा करें और सबके हित हो, सबका भला हो।